ओम शांति, ओम शांति, मुस्कुराते बोलो ओम शांति। जितना अच्छा होकर चलते वो हमारे लिए सामने ही खड़ा है। बिल्कुल, आप जो बोलोगे वो करेगा, जो बोलोगे करेगा, लेकिन शर्त ये है कि उसका कहना मानना पड़ेगा। आप लोग मंदिर में शिकायत करते हो ना, जब बुड्ढे हो जाते हो कि हे प्रभु बच्चे कहना नहीं मानते, भगवान जी बच्चे कहना नहीं मानते, भगवान जी क्या बोलता है? वो पता है क्या बोलता है? तुम मेरा कहना मानते हो जो ही तुम्हारा कहना मानेंगे। वो बोलता है, मेरे भाई वो रोज बात भी करता है, लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। वो देह नहीं है ना, वो क्या है? वो एक निराकार शक्ति है। तो हमें उसकी बातों को मानने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। देह को छोड़कर पूरे दिन में कुछ समय के लिए अपने को क्या समझना है? मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मैं एक पिता हूँ तो कौन याद आता है? कौन याद आता है? बच्चे। जब आप सोचते हो मैं पत्नी हूँ, कौन याद आता है? बोलो ना, शर्मा क्यों रही हो? पति याद आता है। जब आप सोचते हो मैं बहन हूँ, कौन याद आता है? ऐसे ही जब तक अपने को आत्मा नहीं सोचेंगे तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा। इसीलिए जब हम यज्ञ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो चमड़ा कहाँ उतारते हैं? बाहर। कौन सा चमड़ा पता है? ये चमड़ा। इस 80 मन के शरीर को ले लेके घूमते रहते हैं। इस चमड़े की बात बोली है उसने, चमड़े की बेल्ट की बात नहीं बोली। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चमड़े की बेल्ट से, वो सर्वशक्तिवान, उसको आपकी बेल्ट से क्या एलर्जी है? उसने बोला है ये देह रूपी चमड़ा मेरे सामने लेकर मत आओ। और हमने सारी चीजों को स्थूल में करना शुरू कर दिया, सूक्ष्मता में गए नहीं। इसलिए रोज जब भी यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, कम से कम 3 मिनट, गारंटी, आपका भाई ने गारंटी जो ली ना, उसमें बस तरीका ठीक करोगे तो सब काम हो जाता है। रोज बैठ के सोचना, चलो बैठ जाओ, अलर्ट होके बैठो, सीधा होके। अब यज्ञ करेंगे, सीधा होके बैठ जाएं सब। जो जो मैं बोलती जाऊं उसको मन से सोचना। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, मन को चारों तरफ से हटाकर महसूस करो मस्तक पर एक चमकता हुआ सितारा है, देखने की कोशिश करो मन से कि मैं मस्तक पर विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। मन मन में महसूस करें, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे मेरा पिता परमात्मा भी एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। मन से सोचो इस हॉल में चारों तरफ प्रांगण में पिता परमात्मा महाज्योति सूर्य की तरह आपके बिल्कुल सामने आ चुका है। सोचो मन से, देखने की कोशिश करो मन से, वो सूर्य की तरह आपके बिल्कुल सामने है। उनसे शांति की किरणें, सुख की किरणें निकलकर आपके ऊपर पड़ती जा रही हैं। यही मुझ आत्मा का असली पिता है। अब 1 सेकेंड अपने दिल की बातें उससे करो। प्यारे पिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आपने हमें सत्य परिचय दिया, सही रास्ता बताया। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया। आज से आप जो कहेंगे एक दोस्त की तरह मैं आपका कहना मानूंगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।